भूकंप की तबाही ने ऐसे रोंगटे खड़े कर दिए कि कल्पनाएं भी कांप उठी। तबाही का असर ऐसा कि राहत बचाव करने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक शख्स तेजी से मलबे को हाथ से ही हटा रहा है। इतनी तबाही के बीच छोटे मलबे के टुकड़ों को हटाकर ये शख्स क्या हासिल करना चाहता है। लेकिन जब थोड़े से मलबे हटने के बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी इस इंसान के लिए लाखों दुआएं मांगेंगे। इस मलबे के नीचे से एक छोटी सी बच्ची सुरक्षित निकाल ली गई। बच्ची को सकुशल निकाला गया तुर्की से सीरिया तक। भूकंप के बाद जब राहत बचाव दल के लोग मलबों में दबी जिंदगी की तलाश कर रहे हैं तो मलबों के नीचे से चलती धड़कनें, मलबों के नीचे दबी मासूमियत, मलबों के नीचे से झांकती जिंदगी लोगों को हैरान कर दे रही। तुर्की से सीरिया तक ऐसे बच्चों की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें रेस्क्यू टीम के लोग मलबे के अंदर से दो दो दिन बाद भी सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। तुर्की और सीरिया में कुदरत की मार के बीच मासूम जिंदगियों की तलाश के लिए राहत बचाव कर्मी दिन रात एक किए हुए हैं। दर्द और दर्द के बीच ऐसी तस्वीरें तुर्की से लेकर सीरिया, हर जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। सीरिया के जानदेरीस में ये बच्ची मौत को मात देकर मुस्कान के साथ बाहर निकली। नूर का चेहरा धूल से भरा था, उसका शरीर सीने तक मलबे में दबा था, लेकिन इस बच्ची ने कुदरत के कहर से हार नहीं मानी और बचाव दल ने उसे सलामत बाहर निकाल लिया। तुर्की से सीरिया तक आए जबरदस्त भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। मरने वालों की संख्या 16,000 के पार है। तुर्की में ही मरने वालों की संख्या 13,000 है। इतना ही नहीं, 5,000 से ज्यादा इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गए। कड़ाके की सर्दी और मुसीबत बढ़ा रही है। चार दिन पहले तक जो लोग अपने घरों में रहा करते थे वो अब या तो रिलीफ कैंप में है या फिर खुले आसमान के नीचे। राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने कहा है कि एक साल के अंदर वो सभी के घर फिर से बना कर देंगे। उनका कहना है कि हाउसिंग एजेंसी ठेकेदार कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द मलबा हटाया जा सके और घर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।